हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम एग्जांपल नंबर 12 कर चुके हैं, सेम एज इट इज ये है। ठीक है, क्या बोला इसने, इसने बोला है एक्सप्रेस द रेशियो, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मुझे क्या चाहिए, कॉट ए की फॉर्म में चाहिए सारे। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या है, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए इसने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं टेंजेंट ए की बात करूं, जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में करना है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी को भी पहले या बाद में कर सकते हो। टेंजेंट ए को किसकी फॉर्म में चाहिए, मुझे कॉट की फॉर्म में। तो मुझे पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या होगा, कॉट थीटा। तो टेंजेंट ए को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 1 बाय कॉट ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर, टेंजेंट ए को मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, कॉट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका साइन ए और सीकेंट ए भी है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, सीकेंट ए को लिखता हूं पहले मैं। ठीक है, अब सीकेंट ए का रिलेटेड फॉर्मूला देखो, कॉट से रिलेटेड या टेंजेंट से रिलेटेड। अगर मुझे याद आता है सीकेंट ए से रिलेटेड फॉर्मूले देखूं अगर मैं, तो मुझे पता है कि सेकेंड ए जो होगा या तो 1 बाई कॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, मुझे कॉट की फॉर्म में चाहिए तो इससे बात नहीं बनने वाली। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर ए के। हाँ, इससे बात बन सकती है, क्योंकि मैंने अभी अभी टेंजेंट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया, कॉट की, और मुझे आंसर भी किसकी फॉर्म में चाहिए, कॉट की फॉर्म में चाहिए, तो इससे मेरा काम बन सकता है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि सीकेंट स्क्वायर ए जो है, सीकेंट स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के। किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के। मैंने जस्ट इसको आगे पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ सीकेंट की वैल्यू चाहिए किसकी फॉर्म में, कोट की। तो इस सीकेंट स्क्वायर ए को तो मैं एज इट इज रखता हूं, इज इक्वल टू 1 प्लस इस टेंजेंट स्क्वायर ए को क्या लिखता हूं मैं, टेंजेंट ए है 1 बाय कोट ए, पुट कर दो टेंजेंट ए की जगह मैंने पुट कर दिया 1 बाय कॉट ए, और स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज इक्वल टू 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, कॉट ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब चाहो तो एलसीएम ले लो या डायरेक्टली इसको रूट दिखा दो। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा, दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा इसका, दिस इज कॉट स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का होल रूट। अब ऊपर वाले का तो रूट निकलता नहीं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉट स्क्वायर ए इसका रूट निकालोगे तो रूट से कैंसिल आउट क्या बचेगा, कॉट ए। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि m बाय n, ठीक है, अगर होल का रूट है तो इसको मैं रूट ऑफ m डिवाइड बाय रूट ऑफ n भी लिख सकता हूं। तो ऊपर वाले का रूट अलग से लिख दिया, नीचे वाले का जब रूट लिखो तो क्या होगा, दिस कॉट स्क्वायर ए का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट क्या बचा, कॉट ए। तो ये आ गया मेरा सीकेंट ए के लिए। अब लास्ट बचता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट साइन ए। अब मुझे साइन ए निकालना है, कैसे निकलेगा। देखो अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं यहां से, क्या साइन का कोट के साथ कोरिलेशनशिप होता है, ठीक है, एक होता है, कौन सा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो कॉट थीटा है वो इसके इक्वल होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के। तो अगर यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे मिल सकती है, इस साइन थीटा को उधर ले जाओ, तो दिस साइन थीटा इज इक्वल टू ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, ये नीचे था ऊपर चला गया, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, दिस इज बाय कॉट थीटा, यानी मैं इसको निकाल सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। बट क्या मेरे पास कॉस थीटा है, मेरे पास कॉस थीटा नहीं है, तो क्या मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, मेरे पास सीकेंट थीटा है और मुझे पता है सीकेंट क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो अगर मैं सीकेंट ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूं, तो कॉस ए को मैं 1 बाय सीकेंट ए भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से पहले मैं निकालूंगा कॉस ए, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, जो मैंने फाइनल रिजल्ट निकाला था इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहो तो 1 बाय क्या लिखूंगा मैं, सीकेंट ए,
तो दिस 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा क्या होगा रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉट ए। और जब आप इसको पूरे को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा ये तो मैं लिख दूंगा इसको इस पर इसको हटा देते हैं दिस इज कॉस ए इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा यानी कॉट ए नीचे है तो ऊपर यानी ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या है रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि दिस इज 1 डिवाइड बाय ये पूरा ये ऊपर वाला फ्रैक्शन अलग है नीचे वाला फ्रैक्शन अलग है ठीक है। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट ए इसका मतलब ये है ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर 1 डिवाइड बाय ये है फिर नीचे ये ले लेते हैं ठीक है तो इसको इसी के साथ लगा देते हैं नहीं वो गलत होगा। इसका मतलब है 1 डिवाइड बाय सेकेंट ए उल्टे का मतलब 1 डिवाइड बाय सेकेंट ए का मतलब है 1 डिवाइड बाय सेकेंट ए इसको आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है। और जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं इसको मल्टीपल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं तो मैंने क्या किया 1 इनटू जब मैं करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा मैंने क्या ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया ठीक है ये चीज ध्यान रखना। तो ये किसकी वैल्यू आई मेरी ये मेरी वैल्यू आ गई है कॉस की मुझे किसकी चाहिए मुझे तो साइन की चाहिए ठीक है। तो साइन की मैंने अभी भी बताया आपको साइन थीटा क्या होगा दिस इज कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा ये चीज ध्यान रखना। आप इसको फेयर में भी कर सकते हो रफ में भी दोनों तरीके से करके देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। मेरे पास फॉर्मूले वही हैं उन्हीं का मुझे यूज करना है ठीक है। तो अब यहां से साइन थीटा क्या होगा साइन ए क्या होगा दिस इज कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए कॉट की फॉर्म में चाहिए तो इस कॉट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे चेंज करना है ये वाला तो इसको चेंज कर दो क्या हो जाएगा दिस इज कॉट ए होल डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये डिवाइड बाय कॉट है तो इसको मैं 1 इनटू कॉट लिख सकता हूं यस और नो बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है। ये नीचे ही तो है मैंने इस कॉस ए की वैल्यू रखी है ठीक है यहां पे मान लो 1 बाय 2 तो मैं इसको 1 बाय 2 ऐसे ही तो लिखता हूं ये इनटू में हो जाता एज इट इज मैंने इसको लिख दिया ठीक है। कॉट ए से कॉट ए कैंसिल आउट क्या बचा 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ठीक है ये आपका तीसरा आंसर है ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो ठीक है। लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम क्या आती मैं ये वैल्यूज पूरी यहां पुट करता ठीक है फिर उसका स्क्वायर करता ठीक है फिर दोबारा उसको सिंप्लीफाई करता फाइनली मुझे आंसर ये मिलना था ठीक है। ये आंसर चेंज नहीं होगा मैं आपको वैसे भी करके दिखा देता हूं एक बार ठीक है ये वाली चीज मैं रब कर दूं बाकी आंसर तो मुझे मिल चुके हैं। तो आप तरीके अलग अलग लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिकली जो भी फॉर्मूला आपको आए ठीक है। जैसे मैंने यहां साइन थीटा इक्वल टू मैंने कॉट थीटा की फॉर्म में लिया कुछ लोग टेंजेंट थीटा की फॉर्म में भी ले लेंगे क्योंकि मेरे पास टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है। तो आप कैसे भी करो आंसर आपका सेम आएगा ठीक है बट लॉजिकली फॉर्मूले सही होने चाहिए ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि आप कुछ अलग अलग वे से कर सकते हो ठीक है लेकिन आपका अल्टीमेट आंसर सेम रहेगा। अगर मैं इससे करना चाहूँ ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है इस मेथड से आप करोगे तो अगर आप इस मेथड से भी करना चाहो तो हो सकता है देखो कैसे दिस इज साइन स्क्वायर थीटा ए लूंगा मैं इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मेरे पास कॉस की वैल्यू है मुझे साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहने देता हूं मैं इज इक्वल टू 1 माइनस अब कॉस ए की वैल्यू क्या थी दिस इज कॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब ये स्क्वायर है तो पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं ये आपका साइन स्क्वायर ए एज इट इज अगेन 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा दिस इज कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा देखो होल का स्क्वायर है मतलब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं यानी इसका भी स्क्वायर और डिवाइड बाय इसका भी स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट क्या बचा दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 क्या करें दिस इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम लेना पड़ेगा एलसीएम क्या आएगा दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये 1 है तो ये एज इट इज चला जाएगा यानी दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और माइनस का कॉट स्क्वायर ए प्लस एंड माइनस कट कैंसिल आउट ऊपर क्या बचा मेरे पास सिर्फ 1 तो ये मेरा पूरा हट जाएगा। अब जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ दिस होल टर्म डायरेक्टली लिख देता हूं मैं स्क्वायर की उधर जाएगा तो रूट अब 1 का रूट तो मुझे पता है 1 नहीं होता है
और इसका निकल नहीं सकता तो मैं ऐसे लिख देता हूं रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। क्या मेरा आंसर यही था? बिल्कुल यही था। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से करो आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जब भी क्वेश्चंस हो आपके पास आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं पता तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप इनिशियली करो सारी आइडेंटिटीज एक पेज पे लिख लो आप। ट्रिग्नोमेट्री की जितनी आइडेंटिटी मैंने आपको करवाई, जो मैंने इस एक्सरसाइज से पहले जो वीडियो बनाया, सारी आइडेंटिटीज है उसके अंदर, एक पेज पे आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और उनमें से देखिए मैं किस किस का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको सारी आइडेंटिटीज को एक बार क्या कर रहा है, रिवाइज करवा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से होगा। तो पहले इनको कीजिए, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके सारे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।